कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। ऐसा स्वाद और कहां? जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। निवाड़ी नगर के लोगों ने नेशनल हाईवे के ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने सर्विस रोड कम चौड़ा होने सहित कई लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सभी जगह हाईवे के किनारे बने मार्गों की चौड़ाई 7.5 मीटर होती है, जबकि निवाड़ी में यही मार्ग की चौड़ाई मात्र 5.5 मीटर रखी गई है, जिससे नगर व क्षेत्र के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर निवाड़ी के व्यापारियों ने पीएनसी द्वारा बनाए जा रहे सर्विस रोड का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि टीकमगढ़ जिले के जाने वाले इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं, जिससे रोड कम चौड़ा होने पर नगर में जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं दोनों तरफ बनाए गए सर्विस रोड भी ऊंचे नीचे हैं। वहीं व्यापारियों का यह भी कहना है कि सर्विस रोड से पानी की निकासी के लिए जगह नहीं बनाई गई, जिससे अब उनके सामने जल भराव का संकट उत्पन्न होगा। ये लोग क्या है कि रोड वाला जो इनका जो पीएनपी है, वो पीएनपी के अनुसार ये काम नहीं कर रहा है, और इसको सर्विस रोड को 7.5 मीटर से इन्होंने 5.5 मीटर कर दिया है। तो उसमें एक साइड इनका रोड में समानता नहीं है, एक साइड इनका 2 मीटर ऊपर है, एक साइड 2 मीटर नीचे है, और इसको जो पुलिया में इनका स्रोत नहीं है, और उसके अनुसार इनने कोई ड्राइंग डिजाइन है नहीं, ना किसी को कुछ दिखा रहा है जे, और जे अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सबके साथ। जयसवाल साहब जो इंजीनियर है वो अभद्र भाषा का जनता के साथ प्रयोग कर रहे हैं और धमकी देते हैं, धमकाते हैं, किसी की कोई बात ना कोई पीएनपी प्लान दिखाया जा रहा है, ना उस प्लान के अनुसार ये काम कर रहे हैं। इन्होंने 2800 से 23300 तक कंप्लीट कर दिया है रोड, जबकि वहाँ 50 मीटर रोड का निर्माण ही नहीं हुआ है। ऐसी बिल्कुल शिकायत की है, और इसका सब लोगों के सहयोग से अभी हम लोग एक एक दिन का क्रमिकंसन चालू करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो इसको आंदोलन को बड़े स्तर पर किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद महोदय भी इस पे कम से कम 2 बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन वो विधायक जी के संज्ञान में भी है, और सब लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये 3 तरफ उसको आरी बाल को ना बना के जहाँ बाजार बर्बाद करना है उस पे तुले हुए हैं, और इस तरह की वार्तालाप कर रहे हैं कि हम इस रोड को यहाँ पे बाजार के हिस्से में बर्बाद करके ही दम लेंगे। जी यहाँ पे सड़क की चौड़ाई दुकानदारों के सामने पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हमेशा रहेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी 7.5 मीटर की जगह यहाँ बनाई जाए, अभी 5.5 मीटर की यहाँ पे रोड बनाई जा रही है, जिससे यहाँ पे हमेशा परेशानी बनी रहेगी। वहाँ भी 5.5 मीटर ही बनाई गई है, लगभग 350 से 400 मीटर की बीच में यहाँ पे ये 5.5 मीटर की सर्विस रोड बना रहे हैं। पूरा बाजार ही पूरा। हाँ, जहाँ तक पूरा तेगेला का बाजार की बात है, तो पूरे तेगेला के बाजार के सामने 5.5 मीटर की रोड बनाई जा रही है। क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया कि हाईवे निर्माण में काम करवा रहे जिम्मेदारों से भी बात करी तो वह ठीक से बात नहीं करते हैं, बल्कि क्षेत्रवासियों से अभद्रता करते हैं। इसी बात से नाराज होकर निवाड़ी तिगेला के व्यापारियों ने काम को रुकवा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र के अधिकारी व पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाना शुरू कर दिया, लेकिन व्यापारी मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि यह मार्ग कम से कम 7.5 मीटर का ही होना चाहिए। फिलहाल अधिकारी इस बारे में जिम्मेदार लोगों से बात करने की बात कह रहे हैं। क्या आप लोगों को क्या मांगे हैं? हमारा मांग है रोड 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए, जनता के लिए बना, जनता इसमें बहुत परेशान है। अच्छा, कई जगह शिकायत की, सांसद जी को पत्र भी, कलेक्टर साहब को भी दिया, उसको अपने आवेदन दिया,
कुछ कार्रवाई नहीं हो रही उसके लिए, कार्रवाई नहीं हो रही। एक साइड नीचे कर दिया, एक साइड ऊंचा। अभी ये रोड डल गया, आए दिन जाम लग रहा है। और अभी 5.5 मीटर डाल दिया इसको, 5.5 मीटर होना चाहिए था। ये अपना प्लान नहीं दिखा रहे हैं, फिर बता भी नहीं। अभी अभी क्या है, इसके छोटे वाहनों पे ही बहुत जाम लग रहा है। जब यहाँ बड़े वाहन निकलेंगे तो जाम और ज्यादा लगेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों को आवागमन में बहुत समस्या है, इससे ट्रैफिक भी होगा। निवाड़ी से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। यार जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भैया कर रहे हो सुसर, तुम कान खोल के सुना तो कौन ऐसी बैठी पुट्टी नहीं चाहिए। चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर।